मैंने सभी कलियों के अंदर ना बूढ़े को भी मैंने ये वाला डिजाइन कर दिया है। अब जैसे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोलो, थैंक यू। आ जाओ चलो स्कूल चलो, पहले आ जाओ, मम्मी आ जाएगी बाद में, आ जाओ बाद में हम लोग आएंगे, स्कूल तो जाना पड़ेगा, बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज है खुशु का बर्थडे, आप सब विश करोगे, सो थैंक यू सो मच। और खुशु फिलहाल अभी स्कूल गया है, उसे हमने ना रेडी करके भेज दिया है, और आज हम उसका जो बर्थडे है ना वो स्कूल के अंदर ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी है ना बच्चों का सेलिब्रेशन होता ही है, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर स्कूल में ही कर लें, तो घर पे अलग करो स्कूल में अलग करो, तो हमने सोचा कि चलो हम है ना स्कूल में ही चले जाएंगे। तो बस अभी थोड़ी देर में हम उसके स्कूल जाएंगे, वो तो चला भी गया है, और हम उससे पहले जो कुछ भी लेके आना है, केक वगैरह एंड रिटर्न गिफ्ट बच्चों के लिए, तो वो सब लेके आने वाले हैं। बाकी टॉफ़ी चॉकलेट्स के लिए स्कूल वाले मना करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर वो वहीं पे खाना करना, तो उनकी ड्रेस भी ख़राब हो जाती, थोड़ा सा स्कूल का एनवायरनमेंट ख़राब होता है उससे, तो उन्होंने मना किया। तो हम सोच रहे हैं कि उसके अलावा क्या लेके जाएँ, सोचना पड़ेगा। तो बस अभी हम लोग पहले मार्केट जाते हैं फटाफट से, मैंने काम वगैरह कर लिया है, कुछ होता है ना तो भाभी भी नहीं आती है, आज भी आई नहीं है, तो मैंने सफाई वगैरह की है, बस अभी किचन का काम कंप्लीट करके मैं तो सिंपल रेडी हुई हूँ। ये वाला सूट तो ऐसे मेरे नए ही हैं, एंड ओढ़नी मैं इस पर ना चुंदड़ी वेयर करूँगी बाद में, अब मैंने कॉटन की वेयर कर ली है। पहले चलते हैं मार्केट, मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरो लोगे? पूरो तो कौन, मैं दिखाना है एक बारी, पर रेट सही बताओ जब तो लेके जावा ही। ओ भी है, प्योर भी बनारसी में भी है, प्योर बनारसी है, आई प्योर बनारसी, प्योर बनारसी है। तो इन अंदर डुप्लीकेट कोई आवे इनको, इन टाइप कोई प्रिंट या फिर वो पैटर्न है, वो देखो 300 रुपए मीटर है, इससे नहीं। तो ये मैंने ना प्योर बनारसी के अंदर देखा था, जिसका प्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छा था, एकदम अलग सा ही प्रिंट था, बट ये बहुत ही कॉस्टली भैया दे रहे थे, 700 रुपये मीटर ये वाला दे रहे थे भैया, क्योंकि ये प्योर बनारसी के अंदर था। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने ना चुनरी वेयर कर ली है, और बस अभी सभी सामान वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं खुशु के स्कूल में। और ये हम खुशु के लिए लेके आए हैं रिटर्न गिफ्ट, केक, कुछ चॉकलेट्स एंड ये सब। केक हम छोटे ही लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे है ना ज़्यादा खाते नहीं है केक वगैरह, तो बस कट करना था हमें। ये सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट, वैक्स कलर है इसमें, क्योंकि बच्चों के काम ही आते हैं, ऐसी चीज़ ही देनी चाहिए। चॉकलेट्स का ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो हमने चिप्स ले लिए, ताकि बच्चों के ना बैग के अंदर ही डाल देंगे, तो वो घर जा के इजीली खा लेंगे। वे वे पहले कर ले, वे फोटो शूट वगैरह कर ले, वे बुला से तो एक और छोटी भी तो है। ओहो, तो इन पहले इन प्यार कर रहा हूँ, वो एक और छोटी भी तो है, तो हैप्पी बर्थडे दिया, बोलो हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे बोलो भैया, नहीं डब्बू डब्बू नहीं फोड़ने, डब्बू नहीं नहीं नो गिफ्ट दिखा दे,
तो खुशू को है ना, ये खुशू को अपने स्कूल से मिले थे ये सब चीज़ें, और इसने पूरा घर पे आते ही बिखेर भी दिए सब। ओहो, रबर पेंसिल, ये मैजिक कलर जो कि इसमें फिल करेंगे ना इस तरह से, तो ये अपने आप कुछ ऐसे ऐसे ना पिक्चर अपने आप ही आ जाएगी, पता नहीं क्या है ये। इसमें कलर मतलब एक किट दी थी पूरी, जिसमें ये थी कलर वगैरह थे। खुशो ओए, ये आज इतनी शैतानी कर रहा है ना इतने ज़्यादा, अभी मुझसे ना मार खा के सोया है, ये सो भी नहीं रहा था। बर्थडे के दिन मारना नहीं किया वैसे बच्चों को, बट इसने आज खूब मार खाई है मुझसे, और बस अब रोते रोते ना फिर सो रहा है। क्या करूँ, ये जिद ही बहुत करता है, मेरी इच्छा नहीं होती इसे मारने की कि मैं थप्पड़ या कुछ भी इसको ऐसे मारूँ, बट फिर ये जिद इतनी करता है ना कि मुझे हाथ उठाना ही पड़ता है। खुशी, ये किसने दिया है? दिया दीदी ने, मनन भैया ने। ओहो, मनन भैया ने तो गिफ्ट दिया है खुशू को, रियल जूस बॉडी बनाएगा। टन टन, इधर देख, इधर देखो, थैंक यू बोला था क्या? ताई जी ने दिया था, पापा खुला रहे है ना। खुशू के पापा की और मम्मी की तरफ से गिफ्ट पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है, अमेजोन से चल के आ रहा है वो। ओ वाओ, इतनी सारी रियल जूस, इसमें स्ट्रो होगी ना के? और खाली है, और ठीक है ना। हाँ, शाम की 8 बजने वाली है और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, और ये मेरा नो मेकअप लुक है सच में। मतलब पता है इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ना जब मेकअप ना किया होता, क्योंकि मेकअप करते हैं ना तो पता है मेरी आंखों में जलन होने लग जाती है, सिर में भी दर्द होने लग जाता है, बट क्या करें, रील्स एंड वीडियोज़ के लिए मेकअप भी करना पड़ता है। बट विदाउट मेकअप कहीं पर जाना है, जैसे घर में मैं रहती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना सच में, ऐसे लगता है कि बस जो काम कर रहे हैं घूम रहे हैं तो ऐसे ही घूमते रहो। अदरवाइज़ क्या होता है, मेकअप करके कहीं पे भी बाहर जाते हैं ना तो मतलब एक थकान सी हो जाती है, ऐसे ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ही घूम रही हूँ। बस मैं रेडी हूँ, कुछ भी नहीं, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लेती हूँ। बस मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एंड हम खाना खाने ही जा रहे हैं ना डिनर पे ही, तो ऐसा कोई फ़ोटोशूट वगैरह ये सब भी नहीं करवाना, क्योंकि दिन में सेलिब्रेशन कर लिया था तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही सिंपल सा कुछ वेयर कर लेती हूँ, ज़्यादा हैवी वेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, तुम आपको क्या दिखाऊँगी, खाना खाएँगे, देखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं व्यास जी भोजनम, पहले हमारे ना हिपस्टर जाने का था, अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बट फिर हमने वहाँ कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें खाना ही खा के आना है। अच्छा वो भी, और वहाँ का जो खाना है ना वो अच्छा नहीं बता रहे, उसके रिव्यू मतलब सही नहीं है, फास्ट फूड वगैरह तो सही है, तो हमने सोचा कभी ऐसे ही घूम के आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं व्यास जी भोजनम, वहाँ का खाना बहुत अच्छा बता रहे हैं। वो हिपस्टर है मैंने, आप देख सकते हो पूरा सामने, और ये वाला एरिया तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो रहा हिपस्टर है, टॉप पे है, अंदर से तो अच्छा है वो काफी, बट खाना उसका अच्छा नहीं बता रहा। नेक्स्ट या फिर क्या करते हैं, पार्टी करने आए हैं? नहीं, वो मेरे दोस्त का बर्थडे पूछा है।
मतलब एकदम सिंपल सा होगा वो ठीक है। फिर हमारे चना मसाला, वो बटर पनीर मसाला, नान। चलो आप अपने फ्रेंच फ्राइज खाओ। डिनर के बाद मैंने सोचा चलो अमेरिकन शेक भी चलते हैं, यहाँ के शेक मतलब काफ़ी अच्छे बताते हैं, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सा शेक मैं ट्राई करूँ, फिर उसके बाद में जाएंगे घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस कल तो रात को मैंने ब्लॉग को एंड भी नहीं किया था, बस मैं आई उसके बाद में फटाफट से चेंज किया एंड पूजू को सबसे पहले सुलाया था। कल उसने इतना ज़्यादा परेशान किया था ना, मतलब हद ही पार कर दी उसने सारी, और इतनी मार खाई है, मतलब बर्थडे कितने से बोलते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, तो कल उल्टा ही हुआ है, कल उसने खूब मार खाई है मुझसे। एंड कोई ना, एंड आपने देखा था कि मैं मार्केट गई थी तो मैंने आपको ना फैब्रिक दिखाया था बनारसी, एक्चुअली मैं ना प्योर बनारसी था और उन्होंने 700 रुपये पर मीटर मुझे 700 रुपये बताए थे, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे कॉस्टली भी लगा था। बट मैंने ना इंस्टा पे किसी की ड्रेस देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बट वो रेट मतलब सुन के ऐसे क्योंकि 700 रुपये पर मीटर मतलब उसकी यारी वाली मंगजी अलग से बनाओ, ओढ़ना भी थोड़ा सा हैवी बनवाना पड़ेगा, तो आई थिंक अप्रोक्स 5-6 हज़ार के अंदर ये ड्रेस रेडी होगी, अस्तर, क्योंकि अस्तर के साथ में स्टिच करना पड़ेगा। और मैं लेके आई थी ये वाला फैब्रिक जो मैंने आपको, तो ये वाली ड्रेस मैंने आपको मेरे सीख वाले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैं ये वाला ना प्लेन और उस पर पेंटिंग वाली ओढ़नी थी, वैसे एक ड्रेस मैं रेडी कर रही हूँ, तो अभी मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। वैसे मैंने बना ली है खाली है ना, तो सिर्फ मगजी बाकी रह गया था, तो लहंगे की है ना मगजी बाकी रह गई थी, तो उसका फैब्रिक कम था मेरे पास में, तो इसीलिए मैं ये लेके आई थी, ऊन वगैरह लेके आई थी क्योंकि मुझे स्टिचिंग के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी मैं आपके साथ में ना 2-3 ड्रेस के और ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ डिज़ाइन के, आई होप आपको वो भी पसंद आए होंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में आई थिंक 4 या 5 मैंने डिज़ाइन आपके साथ में शेयर किए थे, तो वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी थी, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अभी मैं आपके साथ में आज 2 या 3 ड्रेस के ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, मीन्स ट्यूटोरियल तो नहीं बट मैं आपको आइडिया दूंगी कि आप भी किस तरह से ना डिज़ाइन कर सकते हो, बस थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज किया है बाकी वैसे ही हैं। सो आई होप आपके लिए ये वाले डिज़ाइन भी हेल्पफुल हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगी। एंड किसी ने कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए बोला था तो मैं ज़रूर कभी आपके लिए ना एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी। एक्चुअली मेरा पहले चैनल था डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, बट अभी मैंने वो बंद कर दिया है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो उस पर मैंने आपको कई तरह के डिज़ाइन भी बताए थे, कटिंग एंड स्टिचिंग भी बताई थी, बट अब धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ में कुछ चीज़ें वैसे शेयर करूँ, मतलब ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग और तारी के आरी वाला वर्क, जो आरी एंड तारी इन सब के जो वर्क होते हैं ना जो आप इजीली कर सकते हो, तो वो सब भी मैं आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं ये वाली ड्रेस का ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर करती हूँ, सो वीडियो को इन्जॉय करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये देखिए, ये मैंने लहंगे की कलियाँ है ना कट कर ली है इस तरह से, 8-10 जितनी भी आपको ना कली बनानी हो, 12 कली मतलब आपकी चॉइस, आप कितनी कली का भी बना सकते हो। अब लहंगे में हम सिंपल के अंदर क्या होता है कि जोड़ते हैं ना कलियों को, सीधी साइड को तिरछी साइड के साथ में जोड़ा जाता है, तो इसमें मैं गुणा लगा के और फिर लगाने वाली हूँ। आप डिज़ाइन मैं स्क्रीन पर ऐड कर रही हूँ जो आप डिज़ाइन देख सकती हो सब, तो इस टाइप के सूट अभी काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, अच्छे भी लगते हैं, और ये वाले डिज़ाइन सिर्फ प्लेन जो सूट होते हैं ना उन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी देखिए जो गुणा मैं लगाने वाली हूँ, हमें तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा ये जो सीधी साइड होती है ना, एक तो होती है ये तिरछी साइड, एक होती है ये सीधी साइड, इस तो इस साइड पे ना गुणा लगाना है, इस साइड पे नहीं लगाना है, बाकी जैसे सिंपल हम कलियों को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़नी है, सीधी तिरछे पे रख कर जैसे कलियाँ जोड़ी जाती है, पर सबसे पहले यहाँ पे गुणा लगाना है, तो अभी मैं गुणा लगाती हूँ और आपको भी दिखाऊँगी किस तरह से लगाने वाली हूँ मैं। देखिए अभी कलियों के अंदर हम लगाएंगे गुणा, इस कली के अंदर मैंने ऑलरेडी गुणा लगा रखा है, तो आप देख सकते हो जो स्ट्रेट जो साइड होती है ना कली की, ये एक तिरछी साइड होती है एक सीधी साइड होती है एकदम सीधी, तो सीधी साइड पे हमेशा गुणा लगाना है इस तरह से स्टार्टिंग से ही। तो आप देख लो, अभी मैं इस पर भी लगा लेती हूँ, सभी कलियों पर लगा लूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं दिखाऊँगी किस तरह से अब कलियाँ जो है ना जोड़नी है आपस में।
तो ये देखिए दोनों कली पे मैंने ना इस तरह से सभी कली पे गुणा लगा लिया है। और अभी मैं इसको अटैच करती हूँ, मतलब दोनों कलियों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी साइड पे हमने गुणा लगा दिया है। अब ये जो तिरछी वाली जो साइड होती है ना कली की, इस पे ये जो साइड है ना गुणे वाली साइड, इसको कुछ इस तरह से करते हुए, तो जैसे हम कुर्ती कांचली के अंदर गुणा लगाते हैं ना सेम उसी तरीके से हम इस पे ना इस तरह से रखते हुए और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे रख के और पूरे पे मैं सिलाई कर लूँगी, फिर उसके बाद में आगे आप पहले यहाँ पहले इतनी सिलाई मैं एक सीधी सिलाई इस पे लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि आगे की सिलाई आपको किस तरह से करनी है। आप चाहो तो ये फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी सिलाई कर सकते हो। तो पहले मैं ये वाली जो कली है ना इसके साथ में इस तरह से जोड़ती हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम गुणा लगाते हैं सेम उसी तरह से के पास पास में मैं एक सिलाई दूँगी। तो देखिए ये मैंने ना यहाँ पे इस तरह से ना गुणे टाइप का जो है लगा दिया है हर कली में, सभी कली के अंदर मैंने इस तरह से ना ये लगा दी है। अब आपको मैं बताती हूँ, आप चाहो तो विदाउट मतलब इसको फोल्ड किए हुए ऐसे ही सिलाई लगा सकते हो इसके ऊपर, जैसे हम लहंगे के साइड में या कुर्ती और के साइड में जैसे सिलाई करते हैं ना गुणे के साइड साइड में, वैसे आप सिंपल सिलाई कर लो। एंड अगर आप चाहते हो कि फोल्ड करके अगर आपको सिलाई करनी है लहंगे में, जैसे अभी तो आप देख सकते हो इस तरह से सिलाई है, तो अगर आप फोल्ड करके करना चाहते हो ना तो आपको डबल सिलाई करनी पड़ेगी। पहले आपको इस तरह से एक सिंगल सिलाई फोल्ड करते हुए पूरे में लटकी जानी है एंड फिर आपको इस तरह से करना है। तो अभी इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये कपड़ा अच्छा है और ऐसे ना जल्दी से इसमें से सिलाई वगैरह निकलने के चांस नहीं है। कुछ कुछ कपड़े हैं ना ऐसे कपड़े अच्छे नहीं होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, उनको फोल्ड करके तो लगानी पड़ती है सिलाई, बट ये कॉटन का कपड़ा है तो सही है। तो मैं तो इसमें सिंपल ऐसे ही सिलाई करने वाली हूँ पर कली पे। तो अगर आपकी चॉइस है ये आप फोल्ड करके सिलना चाहते हो सिंगल सिलना चाहते हो, तो फिलहाल अभी मैं इस पर सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा लाइट की वजह से। तो ये देखिए मैंने सभी कलियों के अंदर ना गुणे को भी लगा दिया है, टाई भी कंप्लीट कर ली है, ये आप देख सकते हो मैं क्लोज से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप है ना इसकी सिलाई कीजिए, वैसे ईजी भी है और थोड़ी मेहनत भी है बट दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है ये, आप देख सकते हो। बाकी पूरी ड्रेस मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो आपको आगे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी पहनी हुई आप देख लोगे, तो ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप प्लेन सूट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, तो देखिए और कलियों के अंदर गुणा किस तरह से लगाएं, तो मैंने आपको बहुत ही इस तरीके से बताने की कोशिश की है। एंड ये देखिए ये कुर्ती का डिज़ाइन है, इसका ट्यूटोरियल मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर कर दिया है, लिंक मैं आपको दे दूंगी उस वीडियो का, सो आप देख लेना ये वाला डिज़ाइन आप किस तरह से करें। एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली जो मगजी है ना आप देख सकते हो साइड में ये वाली मगजी है, एंड जो गुणे का जो कपड़ा था ना उसकी मैंने यहाँ पर मगजी लगाई है ताकि थोड़ा सा मतलब अलग दिखे। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन ही लगा देती ना तो ये दिखता नहीं, इतनी ग्रेस नहीं आती सूट में, तो आप देख सकते हो। तो प्लेन सूट पे तो आप कुछ भी ऐसा करते हो ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ग्रेसफुल लगता है और पहनने में भी थोड़ा सा यूनिक लगता है। तो ये देखिए कुर्ती का पैटर्न मैंने कुछ इस तरह से किया है। तो अब मैं आपको सेकंड डिज़ाइन बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी है ना कुर्ती की शोल्डर वगैरह पे भी स्टिचिंग कर दी है और ये भी मैं कुर्ती को बीच में से कट करने वाला ही डिज़ाइन बताने वाली हूँ, बट ये थोड़ा सा अलग होगा और इसकी स्टिचिंग ना इजी होगी जो मैंने आपको पहले बताई है उससे। तो ये देखिए मैंने बीच में से कट भी कर दिया है, शोल्डर पर मैंने मगजी लगा दी है एंड साइड वाली सिलाई अभी मैंने नहीं की है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे पहले मैंने आपको जो बताया था ना डिज़ाइन, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा नेक से लेके और पूरे में ही मगजी लगानी है, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक इसी तरह से ना राउंड के अंदर मगजी लगाते हुए और पूरी कुर्ती के अंदर ना मगजी लगानी होती है। बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको अलग बताने वाली हूँ कि पहले आपको मगजी लगानी है ये बीच वाले पार्ट पे जो हमने कट किया है ना कुर्ती को बीच में से, तो पहले हम यहाँ पे मगजी लगाएंगे। तो ये वाला तरीका थोड़ा सा इजी है। तो देखिए दोनों साइड पे मैं मगजी लगा दूंगी और फिर उसके बाद में फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको कैसे लगानी है। तो ये देखिए पहले मैंने बीच के अंदर ना मगजी लगा दी है और ये मैंने किस तरह से लगाई है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप चेकआउट कर लेना।
तो मैं अगर आपको फिर से ये सब चीज़ें बताती तो वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, इसीलिए। तो ये देखिए अभी मैंने ये वाला डिज़ाइन कर दिया है। अब जैसे सिंपल जैसे स्टिचिंग के अंदर हम यहाँ पे मगजी वगैरह लगाते हैं ना, सेम मैं वैसे ही लगाने वाली हूँ। तो बस पहले मैं गले पे मगजी लगा देती हूँ, देन फिर साइड की सिलाई करके मैं साइड के अंदर मगजी लगा दूँगी। तो ये बहुत ही ना इजी तरीका है और फिनिशिंग के साथ में ना सूट रेडी हो जाता है। तो देखिए ये सूट है ना रेडी होने के बाद में कुछ ऐसा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। अगर आप डिज़ाइन करते हो ना तो ऐसे जो डार्क कलर होते हैं ना उन पे करो तो बहुत ही ज़्यादा खिल के सूट मतलब आएगा, मतलब कलर भी थोड़ा सा ना तो सूट है ना काफ़ी प्यारा लगेगा। एंड ये देखिए